हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अभी देखो, ये वीडियो में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में डिस्कस करेंगे और वन बाय वन हम चलेंगे, एक एक मेथड देखेंगे। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पहला मेथड, सेकंड वन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दूसरा मेथड, तीसरा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। करेक्ट। अब हम लोग इसको पहले मेथड में जाएंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। राइट। अब ये जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में पहला वाला जो मेथड हम देख रहे, यहां पे देखो थ्योरम वन क्या बताया, इफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ टी, फंक्शन है एक्स फाई ऑफ टी का, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ टी इंटू फाई डैश ऑफ टी इंटू डी टी। एक काम करो, ये थ्योरम पेपर में बहुत बार प्रूव दैट के लिए आया है, प्रिपेयर करना पड़ेगा। करेक्ट। ये प्रिपरेशन कर दो, आईएमपी थ्योरम में पेपर में बहुत बार आया है। करेक्ट। अब देखो इसके लिए प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ ना कुछ उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आएगा और फिर हम उसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। अब देखो यहां पे कैसे करेंगे हम लोग, इसका एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूं, ये प्रूफ आप कर लेना। हाँ, प्रूफ दैट में आता है, प्रूफ प्रिपेयर कर लेना। हाँ, अब देखो पहले हम करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू, क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, आर यू गेटिंग इट और नॉट? अब देखो यहां पे ये जो अपने को सॉल्व करना है इंटीग्रेशन में, आपको तुरंत समझ में आएगा, अरे इसको कुछ तो पुट करना पड़ेगा, तो हम पुट करेंगे एक्स क्यूब इक्वल टू टी। सर हमको कैसे समझ में आएगा, देखो ना, एक्स क्यूब इक्वल टू टी अगर हमने पुट किया तो इसका डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सही है। अब देखो थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स मतलब यहां पे ये थ्री एक्स स्क्वायर और ये जो आपका है डी एक्स, समझ में आया क्या, ये आपका थ्री एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स मिला के क्या बन जाएगा, ये मिला के बन जाएगा डी टी। करेक्ट। और साइन ऑफ टी नथिंग बट यूर इंटीग्रियल वन, इसको अगर मैं नाम दू, देयर फॉर इंटीग्रियल वन बिकम्स, इंटीग्रल वन बिकम्स, और आपका इंटीग्रल वन क्या बनेगा, देखो अभी यहां पे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, खाली यहां पे एक्स क्यूब को लिखना है टी तो साइन टी, और थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या हो गया डी टी। कहने का मतलब पुट करते वक्त आप ऐसा पुट करो कि बाद में उसको डिफरेंशिएशन होने के बाद डायरेक्टली आपको उसको डी टी बोल के बोल सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट प्लस माइनस या मल्टीप्लीकेशन डिविजन करके। राइट। अब ये फंक्शन देखो कितना सिंपल हो गया, बाय सब्स्टिट्यूटिंग एक्स क्यूब इक्वल टू टी, इसीलिए मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी होता कॉस टी, क्या माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी प्लस सी, आर यू गेटिंग इट और नॉट? बट प्रॉब्लम ओरिजिनली कहां में था, ओरिजिनली प्रॉब्लम एक्स में था, तो बाय सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, व्हाट इज टी, टी इक्वल टू एक्स क्यूब, सो देयर फॉर आई इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, हम एक्स क्यू पुट कर देंगे प्लस सी। यही आपका इसका छोटा सा आंसर रहेगा, सिंपल है। बट सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, हम वैरायटी लेंगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा डीप में है ये, सो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। करेक्ट। प्रोसीड टू नेक्स्ट। यस, हम लोग अभी आगे चलेंगे, ध्यान में रखना यहां पे जो हमने क्यूब किया है ना, ये टी का, टी इज नथिंग बट एक्स के पूरे ब्रैकेट का नहीं, हाँ नहीं तो इसको मैं ऐसे कर देता हूं। हाँ अब ठीक है, मतलब आपको अभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार ये सर ने कैसे, नो प्रॉब्लम, टी की जगह एक्स क्यूब पुट कर दिया। चलो नेक्स्ट में चलेंगे। है सिंपल, लेकिन आपको वन बाय वन डिटेल में ये वीडियोस को देखना पड़ेगा, खुद की नोट्स बनानी पड़ेंगी और फिर ऑटोमेटिकली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, इसका कॉर्नर ही देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल टू
यहां पे जी ऑफ एक्स प्लस बी इंटू वन अपॉन ए प्लस सी एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हम लोग इसको आराम से समझ के ले सकते हैं। सो कॉर्नर ए को खाली ध्यान में रखना, ये रिजल्ट्स अपने को यूज होते हैं इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, करेक्ट। सो यहाँ पे हम करेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर पाई एक्स माइनस फोर इंटू डी एक्स, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब देखो हम लोग इसको ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं कॉर्नर का यूज करके, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होता, टैन एक्स, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज अ टैन ऑफ फाइव एक्स माइनस फोर इंटू एक्स का कोएफिशिएंट जो है इसको क्या करते हैं हम लोग इंटू वन अपॉन ए करते हैं ना, इन नथिंग बट इंटू वन अपॉन फाइव प्लस सी, नथिंग बट जी ऑफ एक्स प्लस बी इंटू वन अपॉन ए, बोले तो एक्स का कोएफिशिएंट वन अपॉन फाइव प्लस सी। तो आपका यही इसका छोटा सा एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे करना पड़ेगा बाय यूजिंग कॉर्नरी, जरा ध्यान देना, ऐसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। गेटिंग इट आर नॉट, चलेगा, ओके प्रोसीड। ये कुछ रिजल्ट जो है ना वो याद करने का मैं बोलूंगा अभी, जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बोलूंगा कि ये ध्यान में रखो, तो आप ध्यान में रख लेना, हाँ, क्योंकि कुछ रिजल्ट अपने को बहुत बार लगते हैं फिर आपको मालूम नहीं रहता कि सर ये ऐसे कैसे करते हैं, और ये बेस अच्छा रहा तो फिर आपको हायर एजुकेशन में हायर क्वालिफिकेशन जो आप लेंगे डिग्री का उसमें फायदा होगा, क्योंकि वहां पे इंटीग्रेशन फिर दोबारा आएगा, बट ये बेस रहेगा वहां पे। ये कॉर्नर को जरा याद कर लेना, ये रिजल्ट अपने को प्रॉब्लम में बहुत बार लगता है, इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो समझ में आना। लेकिन आपको देखो क्या बता रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, नथिंग बट ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, इसी का डेरिवेटिव उसके बाजू में है, एन पावर छोड़ दीजिए, एन छोड़ के एफ ऑफ एक्स जो ओरिजिनल फंक्शन है इसका डेरिवेटिव बाजू में है, तो हम लोग ये कॉर्नर को अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। एफ ऑफ एक्स रेस टू क्या कर देना, ये एन में एन प्लस वन एक्स रेस टू एन जैसा डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी, प्रोवाइडेड एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, अगर एन माइनस वन हो गया तो माइनस वन प्लस वन गेट कैंसल, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो बनेगा इनफिनिटी, करेक्ट। तो ये रिजल्ट कैसे लगाना है प्रॉब्लम में वो देखने के लिए हमने करंट एक प्रॉब्लम ले लिया, तो आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट ऐसे लगाते हैं। लेट आई इक्वल टू, पहले इसको आई बोल दीजिए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, यस। आप देखो आप बोलेंगे सर इसका रिजल्ट कैसे लगेगा, अरे भाई लगेगा ना, लेट देखो, मैं वैसे तो आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम बता रहे एफ ऑफ एक्स को अगर मैंने साइन इनवर्स ऑफ एक्स इसकी पावर है ना, तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन क्या हो गया एफ ऑफ एक्स, मान लो मैंने ये फंक्शन लिया, कुछ भी ले सकता है ऐसा कुछ नहीं, तो बट यहाँ पे तो जिसकी पावर यानी उसका हमने वो फंक्शन को पकड़ लिया एफ ऑफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आप इसका डेरिवेटिव बनाते हो तो क्या आएगा एफ डैश ऑफ एक्स, एग्रीड और नॉट। और ये डेरिवेटिव क्या आता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो कहने का मतलब यहां पे आपको समझ में आया क्या, सो ये जो है ये वाली जो टर्म है ये क्या हो गई आपकी एफ ऑफ एक्स रेस टू एन एंड इंटू इंटू में वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बना आपका एफ डैश ऑफ एक्स बना ना, अरे आपको समझ में आ रहा है क्या, नहीं इंटू वो एफ डैश ऑफ एक्स बना इंटू डी एक्स, भले तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा अगर इंटीग्रेशन में रहता है आप सीधा लिख देना। सो यहां पे यूजिंग पेपर में क्लियर कट ऐसा लिखो, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, हम ये यूज कर रहे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि इधर फंक्शन ये है एफ डैश ऑफ एक्स उसके बाजू में है इंटू डी एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी, समझ में आया। अब ये यहां पर डायरेक्ट अप्लाई करें सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस वन, एफ ऑफ एक्स किसको बोला था साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू तीन है तीन प्लस थ्री प्लस वन फोर डिवाइडेड बाय फोर प्लस सी। बट ध्यान में रहे इस टाइप की प्रॉब्लम में
आपको ये याद से लिखना जरूरी है कि आपने कौन सा कर्नल का यूज किया है ना। तो मेंशन करना कि भाई इसका हमने एफ ऑफ एक्स लिया, ये अल्टीमेटिकली एफ डैश ऑफ एक्स बना, क्योंकि ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स बना है ना। अंडर रूट वन माइनस, यहाँ पे वन है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या बना, एफ डैश ऑफ एक्स एन इंटू डी एक्स। ऐसे आपको पेपर में दिखाया तो बात खत्म हो गई। ये बहुत बार लगेगा, इधर फंक्शन और बाजू में इसका डेरिवेटिव रेस टू पावर एन, फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेपरेट, पावर पकड़ने की नहीं चलेगा। वंस गो थ्रू इट, आसान है बट आपको समझना पड़ेगा, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। अब देखो यहां पे थोड़ा आगे चलेंगे क्योंकि बहुत टाइप्स है यहां पे, समझाने के लिए अपने को टाइम लगेगा और आप भी वंस गो थ्रू इट इन डिटेल, ये सब कॉर्नरी को याद करने का इसका एप्लीकेशन आपको देना पड़ता है। आगे चलो, अब देखो ये कॉर्नर भी बहुत बार हमने यूज की है, ये आपको लगेगी। देखो क्या बता रहा है, इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स इनटू डीएक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब देखो मतलब नीचे फंक्शन है और ऊपर इसका डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन और ऊपर इसका डेरिवेटिव, ऐसे अगर आया तो आप डायरेक्टली इसका यूज करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं। देखो कैसे करने का, एक प्रॉब्लम लेके समझाओ, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू dx, थोड़ा सा आपको पोस्टमार्टम करके बताता हूं। सो ये cot x इंटू dx, बाद में तो आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है बट एक एग्जांपल लेके समझाया। अब यहां पे हम cot को क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली cos x डिवाइडेड बाय sin x, थोड़ी देर समझने के लिए ऐसा करो cos x बाय sin x, करेक्ट। अब देखो मैं यहां पे बोलू लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नीचे फंक्शन जो है उसको बोलता हूं साइन एक्स, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, तो इसको अगर मैंने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, एफ डैश ऑफ एक्स, दैट टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, कॉस एक्स, नथिंग बट। आपको एक बात समझ में आ गई क्या, ये मेरा नीचे ये क्या आया डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, अकॉर्डिंग टू दिस कॉर्लरी हम लोग क्या लिख सकते हैं। सो पेपर में लिखने का यूजिंग द कॉर्लरी क्या, ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स नीचे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या है वो, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, नथिंग बट यहां पे ये आई इक्वल टू हमारा डायरेक्ट क्या बनेगा, फिर ये बनेगा लॉग ऑफ नथिंग बट वॉट, log of sin x ना, log of sin x plus c, और यही आपका छोटा सा आंसर रहेगा, ध्यान में रहे। ये एक्चुअली एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल के भी आता है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू dx इज नथिंग बट log of sin x plus c, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल के भी यूज होता है, ध्यान में रखो, करेक्ट। सो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव क्या लेना, log, ऐसा पेपर में स्टेप्स में दिखा दो, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। थोड़ा आगे चलेंगे, सी मैक्सिमम सभी पॉइंट को टच करके हम चलने को ट्राई कर रहे हैं, पूरा इन डिटेल वीडियो, मतलब आपका टाइम पास बिल्कुल नहीं होगा, वीडियो देखेंगे तो 100% आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ अब देख ये वाला भी कॉर्नर नंबर 4 में आता है, क्या बता रहा है, यहां पे ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स है, नीचे अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है, मतलब ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर है एफ डैश ऑफ एक्स, और ये नीचे फंक्शन एफ ऑफ एक्स का है अंडर रूट, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। देखो इसका एक एग्जांपल तुरंत लेके दिखा देता हूं तो आपको समझ जाएगा। सो यहां पर लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये आपको दिया, थोड़ा सा एक काम करेंगे, रीअरेंज करेंगे, ये वन अपॉन एक्स यहां भी ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर भी तो ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स, अरे भाई ये एक्स यहां लिखा क्या, ऐसे लिखा क्या, उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसा भी लिखो, ऐसा भी लिखा तो वही है ना, ऐसा भी लिखा तो वही है। अब देखो लेट हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे, या अंडर रूट वाला जो फंक्शन है ना लॉग एक्स, इसको बोलेंगे हम एफ ऑफ एक्स, करेक्ट। अगर हमने इसको एफ ऑफ एक्स बोल दिया तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप बात करते हो तो मेरा एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा, बोलो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, वन अपॉन एक्स, जरा बोर्ड पे ध्यान दो, अभी
मतलब अंडर रूट में अपना फंक्शन बना एफ ऑफ एक्स और ऊपर ये जो आया है ये आपका क्या आया एफ डैश ऑफ एक्स। आर यू गेटिंग इट और नॉट? अब देखो नीचे अंडर रूट में फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव, सीधा पेपर में ऐसा लिख सकते हैं आप। सो यूजिंग पेपर में क्या यूज कर रही है ध्यान से बोलना, लेकिन हम लिखेंगे ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स नीचे अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये हम यूज करेंगे ऐसा इसको पेपर में लिखने का और सीधा इसको अप्लाई करो। अब हम यहां पे बाजू में अप्लाई कर रहे सो आई इज इक्वल टू है ना, क्या लिखेंगे आई इक्वल टू 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, मतलब तो एफ ऑफ एक्स इसको 2 अंडर रूट लिखना पड़ेगा, तो नथिंग बट 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स क्या बोला आपने लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, यही इसका आंसर। कॉर्नरी ध्यान में रखो क्या बता रही है कॉर्नरी, अलग अलग है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं कॉर्नरी बोले तो, थ्योरम्स का यूज करके कॉर्नरी को बनाया जाता है। सो आप इसको जरा ध्यान में रखेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट आर नॉट? यस। सो प्रोसीड टू, अब हम आगे चलेंगे थोड़ा सा, एक बार इसको देख लो सो दैट हमको टपाटप आगे जाने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब कुछ रिजल्ट्स होते हैं देखो, चलो आगे चलेंगे ध्यान से देख लेना हो, हम लोग मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करें मैक्स टू मैक्स। चलो बहुत बढ़िया, ये कॉर्नरी का यूज करके हम लोग कुछ रिजल्ट्स को जो डेवलप किए हैं वहां से कुछ फॉर्मूलाज या स्टैंडर्ड रिजल्ट निकलते हैं, ये जरा ध्यान में रखना, प्रॉब्लम में इसका डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं है ना। देखो अभी क्या है वो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या डायरेक्ट याद करो इंटीग्रेशन ऑफ tan x into dx log of sec x plus c, ये वाला तो अभी हमको हमने प्रूव करके दिखाया इंटीग्रेशन ऑफ cot x into dx log of sin x plus c, अभी हमने देखा ना वो कॉर्नरी का यूज किया था नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव से आपको इसको प्रूव करके दिखाया, बट ये डायरेक्टली आप स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल के याद कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x into dx log sec x plus tan x plus c, इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx log cos x minus cot x plus c। ये चारों रिजल्ट जरा याद कर लेना, प्रॉब्लम में अपने को लगेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, अब देखो इवैल्यूएट, अब इसको डायरेक्ट भी आप इवैल्यूएट कर सकते हैं चाहिए तो, नहीं तो आप फॉर्मूला लगा के भी कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको लगता है कि सर नहीं हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम इसको स्टेप दिखाएंगे, पेपर में एक मार्क है तो स्टेप दिखानी पड़ेगी, तो स्टेप दिखाओ फिर करेक्ट। देखो कैसे करेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करना पड़ेगा पहले तो उसको आई बोल देना है, आई बोल दिया तो क्या हो जाता फिर अपने को प्रॉब्लम नहीं आता। देखो जरा यहां पे एक बार भी बता दू आपको, आई हो गया, अब हम क्या करेंगे यहां पे देखो, वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं नहीं तो आपको फिर दोबारा अभी करके दिखाया वैसे कर सकते हैं, कॉस ऑफ फाइव एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ फाइव एक्स माइनस फोर इंटू डी एक्स, एक्चुअली कॉस बाय साइन इज नथिंग बट कॉट राइट। अब देखो लेट हम नीचे वाले को फंक्शन को बोलेंगे एफ ऑफ एक्स तो नथिंग बट साइन ऑफ फाइव एक्स माइनस फोर, और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता भाई कॉस एक्स होता है ना, और आपको मालूम है ये एक्स बोला है हमने तो ये कॉम्पोजिट को सिंपल फंक्शन कर लिया साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, बट ये अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव नहीं हुआ उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सो डी डी एक्स ऑफ फाइव एक्स फाइव बराबर है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो नथिंग बट, थोड़ा ध्यान देंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया फाइव कॉस ऑफ फाइव एक्स माइनस फोर। अब आप बोलेंगे सर अपने यहां पे तो वो कॉर्नरी लग रही नहीं स्टैंडर्ड रिजल्ट, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नहीं लग रही है, बट आपको मालूम है यहां पे एडजस्टमेंट ऐसे होता है देखो, देयरफॉर आई इज इक्वल टू आप पांच से क्या करो डिवाइड और पांच से क्या करो मल्टीप्लाई, जरा ध्यान दो तो आपको भी समझ में आएगा यार हाँ यार सर ये हम ऐसे भी कर सकते हैं नहीं करना है। अब देखो यहां पे ये मेरा नीचे वाला क्या हो गया एफ ऑफ एक्स,
ये न्यूमरेटर ऑफ टोटल क्या बना एफ डैश ऑफ एक्स, है ना, पांच हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सो कोई दिक्कत नहीं है अभी। और फिर हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग अवेरी कॉरिलरी, नंबर लिखने की जरूरत नहीं, क्या इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, बोले तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, क्या करना पड़ता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इसका यूज करके इसको सॉल्व करो, सो अल्टीमेटली आपको फाइनल आंसर क्या मिला, आई इक्वल टू वन बाय फाइव, ये तो लिखना पड़ेगा ना भाई, बाहर का हमने एडजस्टमेंट किया ना मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू, तभी तो जाके ये फाइव कॉस एक्स दिख रहा है, इसीलिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय फाइव किया। और लॉग ऑफ क्या लिखने का, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है अपना, एफ ऑफ एक्स अपना है साइन ऑफ, साइन ऑफ फाइव एक्स माइनस फोर प्लस सी। आप बोलेंगे सर एक क्वेश्चन था हमारा, हमने डायरेक्ट इसका फॉर्मूल लगा के एक ही स्टेप पे लिख दिया, भाई दो मार्क तो आपको देंगे नहीं हम लोग, ये एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहा, आपने डायरेक्ट इसके बाद वही स्टेप लिखा तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे, स्टेप्स को मार्क होते हैं बोर्ड में। हाँ ये प्रॉब्लम अगर सीईटी या जेईई में आता है एमसीक्यू लेवल में तो आप उसको स्टेप्स की जरूरत नहीं है, या बोर्ड में सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव में आता है तो भी आपको वहां पे स्टेप कोई दिखाने के लिए नहीं बोलता, वहां पे आप डायरेक्ट करो, बट बाकी जगह आपको इसका स्टेप्स का ही यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना, करेक्ट, स्टेप्स रिक्वायर्ड इन बोर्ड। एक बार वंस गो थ्रू इट सो दैट वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए हम लोग जा सकते हैं, सो फटाफट एक बार देख लिए तो काम हो जाएगा, जितना ज्यादा हो सके हम लोग फटाफट ट्राई करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा वैरायटी यही वीडियो में हैंडल कर दी जाए। चलो बहुत बढ़िया, अब देखो जरा आगे चलेंगे, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम के अंदर हम लोग क्या करेंगे मालूम, ये प्रॉब्लम अभी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेंगे उसको देखते हैं हम लोग, चलो कहां गया, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर रहे हैं, उसी से हम लोग ये सारे प्रॉब्लम देख रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें डिफरेंट कॉर्नरी स्टैंडर्ड रिजल्ट, और इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा रिव्यू लिया। अब देखो इसको पहले बोला लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स, आपको समझ में आएगा यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक ए एक्स प्लस बी जैसे, मतलब ये अंडर रूट की वैल्यू को आपको क्या बोलना पड़ेगा, भाई अंडर रूट की वैल्यू को हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, सो पुट क्या अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, ठीक करेक्ट, वो देख के ही समझ में आता। अभी देखो यहां पे डिफरेंशिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगर मैंने डिफरेंशिएशन ऐसा लिखा तो क्या आएगा, देखो बोला अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, अब आपको समझ में आएगा सर हमको तो डी बाय रूट एक्स ही चाहिए, यहां पे तो टू आया तो टू को उधर भेज दो, आपको दो वे है इसको एडजस्ट करने के, डी एक्स बाय रूट एक्स इज इक्वल टू टू डी टी, ऐसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सीधा, फिर दोबारा वही कार्यक्रम, बट ये बेटर रहेगा। अब देखो ये जो आपका इंटीग्रल वन है ना, ये क्या चेंज होता देखो, एंड देयरफॉर योर इंटीग्रल वन बिकम्स, इंटीग्रल वन बिकम्स क्या, इंटीग्रल वन बिकम्स होगा देखो अभी आई इक्वल टू क्या कर दिया हमने, कॉस रूट एक्स को क्या लिखना है, रूट एक्स को लिखना है फिर तो ऊपर लिखेंगे हम कॉस टी राइट, और डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स है ना, dx डिवाइडेड बाय रूट एक्स को क्या लिखेंगे हम 2dt, क्या लिखेंगे हम लोग 2dt, 2 तो कांस्टेंट है भाई, टेक आउटसाइड इंटीग्रेशन, कभी भी याद रखना इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टेक ऑलवेज आउटसाइड बिफोर इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos t क्या होता, 2 तो वैसा रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos t होता sin t प्लस सी, और यही इसका छोटा सा आंसर। सो बाय यूजिंग अ सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने फटाफट से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया, डायरेक्टली सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, है ना, मतलब दिया वाला प्रॉब्लम को सिंपल फॉर्म में करके हम लोग वो सॉल्व कर सकते हैं। वंस गो थ्रू इट सो दैट अगेन वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, बट ये प्रॉब्लम में फिर दोबारा गड़बड़ क्या हो गई, हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम एक्स में था, आपने यहां पर टी में लिखा तो हमारे को ये आंसर की जगह और एक स्टेप देनी पड़ेगी ना, बैक सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, व्हाट इज टी,
हमने यहां पे एक स्टेप देना चाहिए. सो आई इज इक्वल टू टू साइन ऑफ, बट वॉट इज टी, टी इक्वल टू वॉट, टी इक्वल टू अंडर रूट एक्स, साइन ऑफ रूट एक्स है ना प्लस सी. अब ये आपका आंसर हो गया फाइनल आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना. इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम अगर एक्स में है तो उसको ओरिजिनल वेरिएबल में प्रॉब्लम लाके रखना. हमने सब्स्टिट्यूशन क्यों लगाया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ध्यान में रखना. बट दोबारा बैक सब्स्टिट्यूट करके प्रॉब्लम को ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, राइट, नो प्रॉब्लम. सो अगेन वी विल प्रोसीड टू अनदर प्रॉब्लम. अब देखो ये प्रॉब्लम तो आपकी तबीयत खुश कर देगा यार, मिटा दू क्या जरा, चलो फटाफट. सी इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम थोड़े लेंदी होते हैं, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंथ लेता है, बट वहां से आपको पॉइंट्स भी तो क्लियर होते हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट्स, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. देखो ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम का रैम भी कर दो, ये प्रॉब्लम पेपर में आता है, बट आप पहले बोलते हैं सर वो प्रॉब्लम ही थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि हमको ऐसे लग रहा था कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, ऐसे कुछ नहीं आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्व होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. देखो लेट आई इक्वल, थोड़ा एडजस्टमेंट है इसमें, बाकी कुछ नहीं, लेट आई इक्वल टू, पहले तो आई बोल दो क्या है, sec एट रेज टू एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू डी एक्स. ये अब जरा बोर्ड पे देखो, sec sec एट रेज टू एक्स, एक sec हम बाहर ले लेंगे, तो sec सेवन आर एस टू एक्स, हमने एक sec एक्स को बाहर लिया एंड इंटू वन अपॉन कोसेक एक्स. आप समझ गए हमने क्या किया, हाँ भाई बिल्कुल समझ गए, ये वन अपॉन कोसेक एक्स और एक sec रेस टू सेवन एंड sec रेस टू यहाँ पे वन, बेस सेम पावर एडिशन, दोबारा वही हो गया. देखो जरा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे sec सेवन आर एस टू एक्स, sec एक्स बोले तो वन अपॉन cosx, क्या बिल्कुल वन अपॉन cosx, cos ये sec का क्या होता है रेसिप्रोकल, और वन अपॉन कोसेक एक्स इज नथिंग बट ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन एक्स. आर यू गेटिंग इट और नॉट, समझ में आ रहा है ना, वन अपॉन कोसेक्स को हमने साइन लिखा, सेक को वन अपॉन कॉस लिखा. सर ऐसे क्यों किया, ऐसे इसलिए किया कि यहां पे सेक का रेस टू सेवन एक्स और ये साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होता, टैन एक्स. समझ में आ रहा है आपको, टैन एक्स इंटू डी एक्स. आर यू गेटिंग इट और नॉट, यस. आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ और एक sec बाहर निकाल लो, sec सिक्स रेस टू एक्स. आप बोलेंगे सर क्या कर रहे हो आप, अरे देखो तो सही मजा आएगा, sec x into tan x into dx. कुछ क्लिक हुआ, हमने इसमें का एक sec बाहर लिया यहां पे, तो ये सात में का एक गया तो छह हो गया, बेस सेम पावर एडिशन, दोबारा सात. और आपको समझ में आएगा हाँ सर क्लिक हो गया, यहां पे हम अगर ऐसा पुट करेंगे, पुट sec x इज इक्वल टू, या एक काम करो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं करके दिखाता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू sec x अगर लिया तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो आपका एफ डैश ऑफ एक्स क्या बना यार, डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या है, sec x इंटू tan x. आर यू गेटिंग इट आर नॉट, कहने का मतलब ये हुआ यहां पे ये जो है ये मेरा क्या बना एफ ऑफ एक्स, और ये पूरी टर्म क्या बनी एफ डैश ऑफ एक्स, sec सिक्स एक्स रेस टू सिक्स को हम sec एक्स रेस टू सिक्स लिख सकते हैं क्या, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं, आप पेपर में आपने ऐसा लिखना चाहिए यहां पे, यूजिंग यूजिंग क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बोले तो आपका sec x रेस टू सेवन, sec सेवन रेस टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, sec x रेस टू सेवन. वैसे हम लोग sec x रेस टू सिक्स को क्या लिख सकते हैं, sec x रेस टू सिक्स, करेक्ट. सो ये क्या आएगा, ये तो अपनी कॉर्नर बन गई, क्या बनी है एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस वन है ना, डिवाइडेड बाय एन प्लस वन एंड प्लस सी. समझ में आया, अब इसका यूज करेंगे अपना एफ ऑफ एक्स, यहां पे हमने क्या बोला था sec x, राइट, तो नथिंग बट क्या हो गया ये यूज करके, देयर फॉर यूर आई बिकम्स क्या, sec का यहां पे सिक्स रेस टू एक्स है, तो यहां पे एक ऐड करो, नथिंग बट sec ऑफ सेवन रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय सेवन प्लस सी, यही आपका इसका छोटा सा आंसर रहेगा. बट प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट बहुत है, ध्यान रखना.
अभी भी किसी को डाउट है तो मैं थोड़ा सा बाजू में यहाँ पे समझा दू, sec 6 रेस टू x को हम लिख सकते हैं sec x रेस टू 6, तो f ऑफ x रेस टू n, f ऑफ x रेस टू n में मेरा f ऑफ x क्या बना sec x, तो n प्लस 1 जब हम ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे sec x रेस टू 7 नथिंग बट sec 7 रेस टू x होगा, करेक्ट। अगर आपको डाउट है वो तो इसीलिए मैंने उसको और क्लियर कर दिया कि दोबारा आपको ऐसे नहीं लगना कि यार ये सर ने ऐसे कैसे कर दिया। अब देखो थोड़ा आगे चलेंगे, जितना आगे चलेंगे उतना फटाफट आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। इसको आईएमपी कर दिया, प्रॉब्लम का एडजस्टमेंट समझ में आया होगा, राइट ओके। अब देखो आगे अगर हम जाते हैं ना तो आपको एक बात समझ में आएगी, बात ऐसी समझ में आएगी कि कुछ कुछ प्रॉब्लम को अपने को वैरायटी में एडजस्टमेंट करना पड़ता है पहले, नहीं तो प्रॉब्लम लटक जाता। देखो हाँ ये भी प्रॉब्लम देखो आपकी तबीयत खुश करेगा, हमेशा ऐसा है तो ऐसा ही करने का, क्यों ऐसा करने का, देखो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, प्रॉब्लम को दोबारा लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1, ये e रेस टू माइनस एक्स आया ना तो इसको डिनोमिनेटर में ले लेना पड़ेगा कभी भी, 1/1 e रेस टू x, ये पावर न्यूमरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में आई तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, है ना, इंटू डी एक्स, आर यू गेटिंग इट और नॉट, यस। सो I इक्वल टू, अब हम डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते क्या आएगा e रेस टू x, इसके नीचे कुछ नहीं बोले तो क्या है 1, 1 ने e रेस टू को ये किया तो क्या आएगा e रेस टू x प्लस 1, ये डिनोमिनेटर में आया हा इंटू डी एक्स, समझ में आ रहा है ओके। आई इक्वल टू, अब ये न्यूमरेटर में चले गया 1/1 है ना, 1/1 तो सीधा रेसिप्रोकल न्यूमरेटर में चलेगा e रेस टू x प्लस 1 इंटू डी एक्स, और आपको समझ में आया होगा प्रॉब्लम बिकम्स वेरी सिंपल, हाउ सी लेट f ऑफ x इक्वल्स टू क्या बोलना e रेस टू x प्लस 1, डिनोमिनेटर को मैंने f ऑफ x बोला, सो इसको अगर हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा मालूम f डैश ऑफ x, नथिंग बट व्हाट f डैश ऑफ x क्या आएगा e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, कांस्टेंट का जीरो। तो आप बात को समझ गए क्या, इसका मतलब आपका ये जो नीचे वाला फंक्शन है वो क्या बना f ऑफ x, ये ऊपर वाला क्या बना f डैश ऑफ x, और यहां पे हम सीधा यूज कर सकते क्या, नहीं फिर क्या यूज करेंगे हम, यहां पे पेपर में ये लिखना जरूरी है, यूजिंग क्या इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर f डैश ऑफ x नीचे f ऑफ x इंटू डी एक्स, है ना, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे इसको log of f ऑफ x प्लस C, using this बोलने का सीधा I equal to लिखने का, आपने f of x यहां पे mention किया है बस उसका डायरेक्ट log लिख दो, log of e raised to x plus 1 plus C, है ना, f of x आपने इसी को बोला, बट पेपर में ये क्लियर लिखो, स्टेप्स को मार्क होते हैं और आपको स्टेप्स देना जरूरी है ना। सो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आ रहा है कि नहीं समझ में, मतलब देख के ही समझ में आना रहा है, इसको 1/1 लिया प्रॉब्लम खत्म, बट उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, चलेगा। कुछ और वैरायटी देखते हैं, मेरे को लगता है कि जितना ज्यादा आपको दे दिया जाए, जितनी ज्यादा वैरायटी हम लोग हैंडल कर पाए उतना आपको ज्यादा फायदा होगा, करेक्ट। सो हम लोग एक और ही प्रॉब्लम को जा रहे, देखो ये प्रॉब्लम भी बहुत बढ़िया है, करेक्ट। देखो ये प्रॉब्लम आगे चले दो, वाओ देखो अभी ये प्रॉब्लम में लेट आई इक्वल टू, ये भी प्रॉब्लम पेपर में बहुत बार आया, आई इक्वल टू क्या लिख रहा है ई रेस टू एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स, आर यू गेटिंग इट और नॉट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड चालू है, हम लोग इसको पहले पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे सर हमको कैसे समझ में आएगा, भाई जितना प्रैक्टिस करो, देखो पुट x e रेस टू x इज इक्वल टू t, हमने क्या पुट कर दिया t पुट कर दिया यहां पे, राइट। आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या, हाँ भाई क्यों नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t,
अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो देखो क्या आएगा, यू इंटू वी फार्मूला लगाना पड़ेगा, यू इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई रेस यू इंटू वी, यू डेरिवेटिव ऑफ वी एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, ओके, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी एंड डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स का डेरिवेटिव वन, राइट। और यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका हमने डेरिवेटिव बनाया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना, करेक्ट, एंड दैट इज इक्वल टू डी एक्स, ये क्या लिखो डी टी, समझ में आया। अब यहां से e रेस टू एक्स अगर हमने कॉमन लिया तो x प्लस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे और आपको यही समझ में आ गया डायरेक्ट, अरे सर ये तो हो गया, अब देखो यहां पे इसको t बोल दिया है ना, और e रेस टू एक्स इंटू डी एक्स को क्या बोलना है डी टी, सो देयरफॉर यहां पे एक काम कर दो, देयरफॉर यूर इंटीग्रियल वन बिकम्स, इंटीग्रल वन बिकम्स, अब इंटीग्रल वन बिकम्स क्या हो जाएगा देखो, आई इज इक्वल टू यहां पे ई रेस टू एक्स एक्स प्लस वन, वन प्लस एक्स और एक्स प्लस वन में नारा दोनों ने दोनों टर्म प्लस है, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वॉट डी टी, एंड डी यहां पे नीचे क्या लिखू मैं, कॉस ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स क्या लिखना है टी, आप समझ गए क्या। सो कितना सिंपल ये हो गया ना, खाली dt डिवाइडेड बाय cos t हो गया, तो इट्स अ वेरी सिंपल है ना, सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन cos t क्या होता sec t इंटू dt, नो प्रॉब्लम। और अभी अभी हमने एक रिजल्ट देखा है, आपको अभी याद है क्या, नहीं मालूम, नहीं मैंने अभी लिखा था ये ट्रिग्नोमेट्रिक में, इंटीग्रेशन ऑफ यूजिंग बोलो ना सीधा सीधा, हम लोग इसका यूज करके ये सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या है, लॉग ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, समझ में आया क्या आपको, ये अभी हमने देखा था यहां पे, सो मैंने फार्मूला x में लिखा था, यहां पे ये t में है तो t में लिखना पड़ेगा, सो देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ sec t log of sec t प्लस tan t एंड प्लस c, राइट। एक बात का ध्यान रखना, हमने वेरिएबल यहां पे टी है यहां पर, बट हमारा ओरिजिनल में तो क्या था एक्स था ना, सो बैक सब्स्टिट्यूट कर देना, बट व्हाट इज टी एक्स ई रेस टू एक्स है ना, सो बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक ऑफ टी इज नथिंग बट व्हाट एक्स ई रेस टू एक्स प्लस टैन ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स एंड देन प्लस सी, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा यह सिंप्लीफाइड होगा नहीं, आपका यही इसका आंसर रहने वाला है, log of sec x plus tan x, बट ओरिजिनल वेरिएबल में हमने ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पे t लिखा था x e raise to x, तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा, अरे भाई इसको t पुट किया और इसको डिफरेंशिएट किया तो अपने को न्यूमरेटर ऑटोमेटिक मिल रहा, वो तो dt बना, तो बस बहुत सिंपल हो गया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद प्रॉब्लम बिकम्स वेरी सिंपल, बट क्या सब्स्टिट्यूशन करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बात को समझ रहे हैं ना, ओके, जरा ये भी बात ध्यान में रखें तो आपको बिल्कुल फायदा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब जितने ज्यादा प्रॉब्लम लेंगे उतना ज्यादा अपना ये लेक्चर लंबा होता चलेगा, लेंदी होता चलेगा, अभी हम लोग यहां पर रुकेंगे, यही अपना इसका आंसर है, ये प्रॉब्लम का आंसर तो यही है, करेक्ट, मैक्सिमम वैरायटी लेने को ट्राई किया है, राइट। आप एक बार अभी इसको देखेंगे तो गो थ्रू इट, तो आपको आराम से अंदाजा आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, कॉरोलरी लगाया, डिफरेंट कॉरोलरीज बताया, फार्मूलाज बताए, राइट। इसका पहला वाला थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसको पेपर में आता है प्रूव दैट, वो प्रिपेयर कर लेना, राइट, और अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम लेके दिखाया, चलेगा। सो अब हम ये यहां पे टॉपिक को, ये पॉइंट को कंक्लूड करते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे, मिलेंगे, बी इन टच विद अस। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अबे फ्रेंड्स में भी तो शेयर करो, करना कुछ नहीं, एक लिंक एक दूसरे को भेज दिया तो फायदा ही फायदा, और फुकट में आपका भी एक सत्काम मतलब सत्कार हो जा रहा है ना फुकट में, तो अच्छा है, सो आप उनको भी भेजो, उनका भी भला हो जाएगा, एंड विद दिस कॉमेंट भी दे दो कुछ अगर आपको लगता है तो, एंड विद दिस वी विल कंक्लूड दिस पॉइंट, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉइंट के साथ मिलेंगे, चलेगा, थैंक यू।